कोरोना वायरस को लेकर भारत में 21 दिन का लॉकडाउन कर दिया गया है। इन 21 दिनों के लॉकडाउन में उन गरीब मजदूरों का क्या होगा जो रोज की मजदूरी करते हैं, उनका घर कैसे चलेगा? इसमें कुछ मजदूर ऐसे हैं जो सरकारी सुविधाओं से वांछित हैं। क्या वह 21 दिन कुछ नहीं खाएंगे? क्या उनका कोई नहीं? ऐसा नहीं है। मथुरा के कोसीकला में एक ऐसी संस्था का गठन किया गया है, उसका नाम है सहायता टीम। उसको कोसीकला के एक युवा समाज सेवी पिंटू उपाध्याय द्वारा चलाया जा रहा है। यह उन समाज सेवियों से सामान इकट्ठा करते हैं जो ऐसे लोगों की सेवा कर सके। आप देख सकते हैं कि कैसे सहायता टीम के मेंबर राशन के पैकेट बना रहे हैं और बांटने जा रहे हैं। वहीं युवा समाज सेवी पिंटू उपाध्याय ने बताया कि बहुत अच्छी मुहिम है ये, और हम तो ये कहेंगे कि सब लोग इससे जुड़े। लगभग लगभग जिस दिन से ये लॉकडाउन हुआ है उसी दिन से हम 500-600 परिवारों को बांट चुके हैं। तो आपको पता करीब परिवारों को हम दे चुके हैं, और हम 100 नंबर से कॉल आती है, थाने से कॉल आती है, तो उन लोगों के साथ जाकर के हम दवा के आते हैं। अभी यहाँ भी आ जाते हैं 100 नंबर, जैसे कोई 100 नंबर सूचना करता है तो यहाँ पे ले आते हैं उनको, तो यहाँ पे हम उनको दिला देते हैं। तो क्या क्या चीज़ इसमें आप दे रहे हैं? इसमें हम आटा है, चावल है, अचार है, नमक है, और किसी दिन सब्जी हो जाती है तो सब्जी कर देते हैं। जो हमको बहुत सहयोगी, जो कोसीकला के बढ़िया सहयोगी हैं, वो हमको समाज से भी सहयोग दे रहे हैं, और हमको सहयोग से ही ये काम चालू कर रहे हैं। तो ये लगभग कब तक चलेगा? ये जब तक लॉकडाउन रहेगा, जब तक ऊपर वाली की इच्छा है, जब तक सहयोगी दान देते रहेंगे, कुछ अपना जब तक चलता रहेगा, जब तक हम चलाते रहेंगे। थाने के सामने इंदिरा मार्केट में खड़े हुए हैं। यहाँ पर कुछ बच्चों की एक टीम एक पैकिंग कर रही है। ये किसी दुकान के लिए पैकिंग नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए पैकिंग कर रही है जो मजदूरी कर अपने पेट पालते थे। आज वो सब अपने घर के अंदर हैं, उनको प्रदान की जा रही है। ऐसे कुछ समाज सेवी भी इनको सामान दे रहे हैं जिससे उन ज़रूरतमंद लोगों को सामान पहुंच सके। यहाँ पर मैन जो इस टीम का मैन प्रभारी है, उसका नाम पिंटू उपाध्याय, वो इस प्रकार की सहायता करते रहते हैं। इस वक्त ये पैकिंग कर रहे हैं और शाम को इनको वितरित करेंगे। 100 नंबर पर फ़ोन भी आता है और उन तक भी ये अपना सामान पहुँचाते हैं। ऐसे समाज सेवी के लिए हर समाज सेवी को आगे आना चाहिए, ऐसी सेवा करनी चाहिए। कोसी से मनीष अग्रवाल की रिपोर्ट।